दोस्तों नमस्कार, आप सभी को हमारा इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेकर बारे में। जैसे कि दोस्तों बहुत सारा भाई लोग मेरे कमेंट करते रहता है कि बैंक ऑफ इंडिया का CSP कैसे ले। भाई एक ऐसा वीडियो बना जिसमें हमको पूरा फायदा लूटने के मजा मिले। तो चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर लेंगे बैंक ऑफ इंडिया का CSP आप किस तरह लेगा, वो भी आपको A to Z आपको जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे, यही जो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं आता, जो आता है दोस्तों रियली आता है। तो दोस्तों आपको बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेने के लिए आपको कौन सा वेबसाइट जाना है और कौन सा वेबसाइट से आप इस CSP को ले सकती है और इसका CSP लेके आप अच्छा खासा बिजनेस बढ़ा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम ऐसा कंपनी के बारे में बात करने वाला है जो आपको भी सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा और कंपनी का जो है दोस्तों ये पूरा जानकारी आप लोगों को मिलते रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको न्यू टैब ओपन करके दिखाएंगे। दोस्तों मैं जैसे कि आप देख पा रहे न्यू टैब ओपन किया, उसमें आपको सर्च करना है डायरेक्ट जीरो मास सर्च कर दीजिए, ठीक है। इसमें ZERO जीरो मास, ठीक है दोस्तों जीरो मास जब भी आप सर्च करें दोस्तों सबसे ऊपर में आ जाएगा वही जीरो मास, जैसे कि आप देख सकती है। तो जीरो मास एप्लीकेशन का आपको ओपन कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ओपन होने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है दोस्तों डेस्कटॉप मोड कर देना है। जब दोस्तों डेस्कटॉप मोड करेगा तो जीरो मास का जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपका इस तरह लेके आ जाएगा। तो हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे आप इसको अप्लाई करेगा और किस तरह आप इस CSP लेगा। लेकिन दोस्तों CSP लेने के लिए कोई आपको चार्जेस नहीं मांगेगा। सबसे पहले एक बात है दोस्तों, इसमें एक टर्मिंग कंडीशन ये है, अभी मान के चलो एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान के चलो एक दिन में आप 1 लाख ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको मिलेगा 25% और आपको मिलेगा 75%। तो दोस्तों आपको कमीशन काट के वो आपको कमीशन देगा। मान के चलो आप 1 लाख रुपये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कंपनी आपको 25,000 लेगा और आपको 75,000 कमीशन देगा। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा। जो जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उस कंपनी के द्वारा आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा वो भी हम बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं और सर्विस में कैश बैंकिंग, मनी ट्रांसफर, यूटिलिटी, CSP, कैश बैंकिंग और माइक्रो फाइनेंस। जैसे कि दोस्तों अभी इस जगह में बात कर लिया है इसमें क्या क्या सर्विस मिलेगा। अभी हम बात करेंगे दोस्तों CSP लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफी एंड कैंसिल चेक एंड सेल्फ अटेस्टेड आपको फिलअप करके बीइंग योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एग्रीमेंट ऑल्सो रिक्वायरमेंट डन प्रोसेसिंग टाइम एंड वेल टेक अप्रोस 15 से लेकर 21 दिन तक आपको सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी दोस्तों हम बात करेंगे CSP के लिए। बहुत सारा भाई लोग मेरे को कमेंट करता है जो आप तो जो वीडियो बना रहे हैं भाई, वो वीडियो में तो हम लोगों को कोई फंक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको जो स्कीम दिया है PM जनधन योजना मिलेगा, PM अटल पेंशन मिलेगा, सरकारी बीमा योजना मिलेगा और मुद्रा योजना मिलेगा दोस्तों, और किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिलते रहेगा। दोस्तों इस कंपनी जो बोलो तो कंपनी जब इसको रिलीज किया था, इस कंपनी का जो रील्स है दोस्तों 2012 में इसको रिलीज किया था और आप देख सकते हो जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड इंटरप्रेस है, जीरो मास इंटरप्रेस कंपनी का द्वारा है। दोस्तों अभी जब हम देख सकते हैं लोकेशन का मैंने बात करें कमर्शियल ब्रांच तपस्वी नगर तो कर्मा बिल्डिंग और कलकत्ता। दोस्तों ये कलकत्ता कंपनी है और आप इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अभी हम इस कंपनी का रजिस्टर कंपनी का बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ नाम भरना है, जो भी आपका नेम है दोस्तों मान के चलो मेरा नाम डाल देंगे इस जगह में। कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों आपको डाल देना है, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर आपको इस जगह में डाल देना है। तो अभी मैं दोस्तों मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है दोस्तों मैं जहाँ में कॉन्टेक्ट नंबर को फिल कर लेता हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर फिल करने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी आपको बताएगा, उस ईमेल आईडी को इस जगह भर देना है। मेरा जो ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भरना है दोस्तों, जो पिन कोड आपको भरने के लिए बताएगा, जो भी आपका पिन कोड है उस पिन कोड आपको सही सही से भर देना है। तो भरने के बाद दोस्तों मैं पिन कोड को भी जरा मैं फिल कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें भेजा जाए सिटी बताएगा, जो भी आपका सिटी है आपको डाल देना है। तो मेरा जो सिटी है मालदा MALDA मालदा डाल देंगे। दोस्तों डालने के बाद अगर आपको CSP अप्रूव हो जाता है तो आप मेरे को प्लीज़ एक बार कमेंट में बताना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाई लोगों को CSP कमेंट कर रहे हैं लेकिन CSP नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे को बहुत बहुत उल्टा उल्टा बोल रहा है। अगर किसी को इस तरह कमेंट बोले तो जाने के बाद भी रिस्पॉन्स मिल गया है तो वो मेरे को जरूर कमेंट में बताना। दोस्तों अभी हम इसमें लिखेंगे बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और इंडिया सर्च करेंगे दोस्तों, इंडिया आ चुका है। तो अभी दोस्तों इस जगह में आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस जगह में आपको सबमिट कर देना है। जैसे कि दोस्तों आपने जगह पूरा फिल कर लिया है, अप्लाई नाउ बीकॉम एजेंट, तो आपको क्या करना है दोस्तों सेंड नाउ में क्लिक कर देना है। जब दोस्तों सेंड नाउ में क्लिक करेंगे तो इसमें बता रहा है ईमेल एंड नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड,
तो अभी दोस्तों आपको ऑलरेडी रजिस्टर बात पता है, इसीलिए क्योंकि दोस्तों मैं पहले इसका अप्लाई कर चुका हूँ। अभी दोस्तों मैं इसमें चेक स्टेटस भी आपको आ जाएगा, चेक स्टेटस में जब भी आपके लिए करेंगे दोस्तों इस जगह में आप चेक स्टेट भी कर सकती है आपका ट्रांजेक्शन कहाँ पे है, मतलब आपका सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ है, वो भी अभी जब ट्रांजेक्शन मतलब चेक स्टेटस में भी देख सकती है। अभी दोस्तों इस कंपनी के द्वारा CSP आपको क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है वो भी मैं आप लोगों को फाइनली बताएंगे। तो दोस्तों उससे पहले आपको इस जगह में आप देख सकते हैं दोस्तों नंबर, इस नंबर में आपको कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको CSP मिलता है, उससे पहले आपको नहीं मिलता है। मैं आपको सबसे पहले बोलेंगे अगर इस कंपनी का ब्रांच लेना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कॉन्टेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको बैंक ऑफ इंडिया का CSP मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग सुन लिया है, इस CSP लेने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है। आपका स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा तो आपको CSP प्रोवाइड करेगा बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपको इस कंपनी के द्वारा नंबर में कॉल करके बात करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो देने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते में। जय हिंद, वंदे मातरम।